और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा आयरन गोलम का स्टैचू यार, कितना मस्त लग रहा है दूर से, कितना रियलिस्टिक लग रहा है। और इसको मैं अभी आपको अंदर जाके भी दिखाता हूँ। और तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। तो आज हम बारह खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइज मेरे को पता है ये वीडियो बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है, लेकिन अब आ ही गई है फाइनली। तो जैसा कि आपको याद होगा, आज से कुछ एपिसोड पहले मैंने एक आयरन फार्म बनाया था, जो कि साइज में तो इतना कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा इसने मेरा साथ दिया शुरू से ही। और अगर आपको याद हो तो मैंने सर्वाइवल सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में बोला था कि मैं कुछ भी बनाऊँ वो एकदम जाइंट होगा, लेकिन अब तक वैसा कुछ नहीं हुआ है। तो चलो फिर आज कर ही देते हैं। तो आज मैं बनाने वाला हूँ एक जाइंट आयरन गोलम का स्टैचू, जिसके अंदर होगा बहुत ही ज्यादा एक एफिशिएंट आयरन फार्म, वो भी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर। मैंने एक आयरन गोलम के स्टैचू के अंदर एक आयरन फार्म वर्क कराया है, वो भी 1.20 जो अभी अपडेट आया था उसके अंदर। तो देखते हैं कि ये मैंने कैसे करा, तो उसके लिए पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। तो अभी फिलहाल के लिए मेरे को सबसे पहले बहुत सारा सामान इसके लिए कलेक्ट करना होगा, तरह तरह की चीजें मेरे को चाहिए, तो वो जल्दी से कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जिस जिस तरीके के मेरे को कंक्रीट और टेराकोटा चाहिए थे, वो सारे के सारे मैं कलेक्ट करके ला चुका हूँ। और मेरे को अब बस एक काम और करना है, वो है ये जो कंक्रीट है वो कंक्रीट पाउडर है, तो इन्हें हमें कन्वर्ट करना होगा नॉर्मल कंक्रीट के अंदर, ताकि हम अपना आयरन गोलम का स्टैचू आसानी से बना पाए। तो अब जल्दी से इसका प्रोसेस भी मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो फाइनली सारा का सारा सामान हमारा डन हो चुका है। बस इस वाले शेल्टर बॉक्स में अब सारा का सारा सामान है जो भी इस बिल्ड के अंदर हमें लगने वाला है। अब फाइनली मैं जगह आपको बता देता हूँ कि मैं कहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो इस वाली जगह पे मैं बनाने वाला हूँ, और इस वाले माउंटेन के लिए मैंने ऑलरेडी कुछ सोच रखा है, इस वजह से मैं इस माउंटेन पे नहीं बना रहा, वरना इस माउंटेन पे भी बहुत सही लगता है आयरन फार्म, पर इसको मैंने किसी और चीज के लिए रिजर्व करके रखा है। स्टैचू बनके कंप्लीट हो चुके हैं, और ये बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। मैं आपको इसका दूर से व्यू दूंगा ना यार, वैसे आपने देख लिया होगा इंट्रो में एक दो इसकी क्लिप, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मस्त और रियलिस्टिक लग रहा है। और सोचो अभी इसके अंदर हमारा आयरन फार्म भी आने वाला है, वो भी पॉकेट एडिशन के अंदर। तो ये बहुत ही ज्यादा सुनने में ना मतलब कूल भी लग रहा है, और होने भी वाला है कूल। और अभी फिलहाल मैंने नाइट विजन वगैरह कुछ नहीं लगा रखा, और उसके साथ भी ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। ऐसा लग रहा है कि कोई जाइंट आयरन फार्म हमने रियल में इसको लाके खड़ा कर दिया है यहाँ पे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमें आयरन फार्म इसके अंदर हम बनाने कैसे वाले हैं। तो ओके गाइस, अब आता है इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट, जो कि है इस आयरन गोलम के स्टैचू के अंदर एक आयरन फार्म बनाना। और आपको पता ही होगा पॉकेट एडिशन के अंदर आयरन फार्म बनाना वैसे ही इतना हार्ड होता है, क्योंकि कभी कहीं आयरन गोलम स्पॉन हो जाता है, कभी फार्म के बाहर हो जाता है, और कभी तो होता ही नहीं है स्पॉन। और फिर भी मेरे को तो इसके अंदर एक छोटी सी जगह के अंदर बनाना है, और वो तो एक नॉर्मल आयरन फार्म होता है, जो कि कभी कभी मिस्टेक से मतलब वर्क नहीं करता, लेकिन मेरे को तो इस जगह के अंदर बनाना है। तो देखते हैं कितना ज़्यादा हार्ड होने वाला है। हार्ड तो बहुत होने वाला है, लेकिन ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगने वाला है। और आई थिंक इफ यूट्यूब पर किसी ने अब तक करा भी नहीं है, तो और मैं फर्स्ट हूँ ये करने वाला पॉकेट एडिशन के अंदर। हो सकता है जावा एडिशन में किसी ने करा हो, लेकिन बेडरॉक या फिर पॉकेट में किसी ने नहीं करा है। इसीलिए अब सबसे पहले इस शेल्टर बॉक्स में से मैंने स्टोन ब्रिक्स तो ले लिया है। अब मेरे को क्या करना है ना, अब मेरे को इससे पहले पे तो मैंने फ्लोर तक है ना इसे एक्सटेंड कर लिया है, पूरे नीचे से लेके ऊपर तक फ्लोर तक मैं इसे ले आया हूँ। और अब मेरे को ना इसको मिडल ब्लॉक से एक तीन तीन ब्लॉक चारों तरफ से एक्सटेंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं ये कर देता हूँ। तो गाइस चारों तरफ से तीन तीन ब्लॉक मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया है। अभी इसको मेरे को ना ऊपर से कवर कर देना है, क्योंकि अब मेरे को इसको जो नीचे वाली लेयर है ना जो हमने बनाई है उसे तोड़ना होगा, क्योंकि मेरे को एक हाइट इसकी और चाहिए थी, मैंने पहले गलत बना दिया इसे। तो इसको मैं तोड़ देता हूँ अब, और इसको अब मेरे को यहाँ से चारों तरफ से मतलब इसको पूरा का पूरा फिल कर देना है जो हमने बाउंड्री बनाई है। तो इसको मैं कर देता हूँ। तो ओके गाइस, अब हमारा जो आयरन फार्म का बेस है वो बन के रेडी हो चुका है, और इस वाले जो प्लेटफॉर्म है ना, ये जो हमारा बन के रेडी हुआ है, इसके ऊपर हमारे बेड्स आने वाले हैं। तो इसके ऊपर बेड्स लाएंगे अभी, उससे पहले मेरे को इसके हर कॉर्नर पर एक एक ब्लॉक कुछ इस तरीके से प्लेस कर देना है, वो क्यों अभी आपको पता लग जाएगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि अब तक मैंने कोई भी बेड या फिर विलेजर्स वगैरह का जिक्र क्यों नहीं करा, या फिर वो कलेक्ट करके मैंने क्यों नहीं रखे। तो उसका एक रीजन है, वो ये है कि हमारा जो पुराना वाला आयरन फार्म है ना, उसी के अंदर से मैं ये सब लेने वाला हूँ। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये वाला आयरन फार्म तोड़ क्यों रहा हूँ, पर मैं इसको
तोड़ने नहीं वाला है, इसका ये जो बिल्ड है उसको मैं नहीं तोड़ने वाला, क्योंकि ये आयरन फार्म हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट आयरन फार्म है और इसलिए हमारे वर्ल्ड में रहना, मतलब इसको रहना चाहिए। तो इसलिए मैं सिर्फ इसका जो मैकेनिज्म है ना, उधर से सारे बेड और विलेजर्स ट्रांसफर करूंगा उस वाले आयरन फार्म में, और इसका बिल्ड मैं तोड़ने नहीं वाला, क्योंकि अभी मैं एक ही वक्त पे अगर एक ही जगह पर दो दो आयरन फार्म चलाऊंगा ना, तो हो सकता है आयरन फार्म सही से वर्क ना करे। इस वजह से मैं सिर्फ इस आयरन फार्म को बंद कर दूंगा, क्योंकि आयरन फार्म में वो वाला आयरन फार्म बहुत अच्छे से वर्क करने वाला है, हमें आयरन की कमी नहीं पड़ेगी, इसलिए एक ही आयरन फार्म में रखने वाला हूँ। ओके, तो गाइस यहाँ पे सारे के सारे बेड तो मैं कलेक्ट करके ला चुका हूँ, अब मैं इसे इन्वेंटरी में अपनी शिफ्ट कर लेता हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आयरन फार्म में बना कौन सा रहा हूँ, तो ये वही आयरन फार्म सेम है जो मैंने वहां पे बना रखा था, बस डिफरेंस दोनों में इतना है कि वो मैंने अंडरग्राउंड बना रखा था और इसे मैं एकदम ना मतलब ओपन बना रहा हूँ। है तो मतलब एक स्टैचू के अंदर, लेकिन ये थोड़ा ओपन है, वो अंडरग्राउंड जाके था तो उसका थोड़ा बिल्ड जो है ना वो अलग था, तो सेम ये वही है। तो इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं बताने वाला कि बेड्स वगैरह कैसे प्लेस करने हैं, प्लेस बेड्स वगैरह वैसे ही करने हैं, बस मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको इसके वो जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाना है, ताकि अगर आप भी बना रहे हो तो आप इसको ढंग से बना सकें। ओके, तो गाइस फाइनली हमारा जो फार्म का मैकेनिज्म है वो तो बनके रेडी हो चुका है, और इसमें तो ज्यादा टाइम लगा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी था ये वाला पार्ट तो। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट होने वाला है ना, वो होने वाला है इसके अंदर विलेजर्स को लाना। तो उसको आपको पता ही है, एक सबसे ईजी तरीका जो होता है विलेजर्स को लाने का वो है रेल। तो रेल की मदद से मैं लेके जाने वाला हूँ विलेजर्स को। तो सबसे पहले यहाँ से मैं थोड़ी बहुत रेल्स ले लेता हूँ, एक तो इसके अंदर रखा हुआ मेरी बैरल के अंदर रखी है, और बाकी मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो ओके गाइस फाइनली मैंने सारी की सारी जो रेल्स है वो प्लेस कर दी, और मेरे को पता है मैंने एडिटिंग में इसको बहुत ज्यादा छोटा करके आपको दिखाया है, लेकिन यार मैं क्या ही बताऊं, मेरा क्या दिमाग खराब हुआ है इसको लगाने में। चलो वो सब छोड़ो, अब मेरे को यहाँ पे सबसे पहले रेडस्टोन टॉर्चेस लगानी है जहाँ पे मैंने पावर रेल लगाई है, तो ये वाला काम मैं कर लेता हूँ, फिर मैं जल्दी से विलेजर्स को ट्रांसफर करना एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। और उसके बाद हमारा जो आयरन फार्म है वो ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा, बस हमारा किलिंग चैम्बर जो है वो बनाना रहता है, तो ये वाला काम मैं जल्दी से करता हूँ। ओके गाइस, तो फाइनली आपको 3 सेकंड की क्लिप दिखा के मैंने फाइनली 20 जो है वो विलेजर ट्रांसफर कर दिया है यहाँ पे, और मेरे को ये पता है इसमें मेरे को कितना ज्यादा वो हुआ है। एक दो विलेजर तो बड़े आराम से चले गए थे, लेकिन बहुत लोगों ने नाटक भी करा, पर फाइनली पहुंच चुके हैं सारे के सारे, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आयरन गोलम भी स्पॉन हो चुका है। अब बस यहाँ पे हमारे एक काम बचा है, वो है यहाँ पे किलिंग चैम्बर बनाना, तो उसका प्रोसेस भी हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा फाइनली बन के रेडी हो चुका है आयरन फार्म, पर अभी मेरे पीछे ना ये आयरन गोलम पड़ा हुआ है एक, इसे मेरे को दिखाना पड़ेगा, एक सेकंड रुक जाओ, इसे दिखाना ही पड़ेगा मैं क्या चीज हूँ। ये इसको आने दो, ये निकल यहाँ से, चल भैया फालतू में पीछे पड़ा हुआ है, इसी का फार्म बना रहा हूँ। वैसे मैं इससे मजे ले रहा था, क्योंकि इसको मेरे को मारना ही था वैसे भी, क्योंकि मैं चाहता नहीं मेरे आयरन फार्म में कोई भी दिक्कत आए। पर अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा आयरन गोलम का स्टैचू, यार कितना मस्त लग रहा है दूर से, कितना रियलिस्टिक लग रहा है। और इसको मैं अभी आपको अंदर जाके भी दिखाता हूँ। और हाँ, मैंने ना इसके ऊपर आयरन गोलम के ऊपर पूरा का पूरा ना स्ट्रिंग से इसे कवर कर दिया, ताकि मैं बिल्कुल मतलब 1% भी चांस नहीं छोड़ना चाहता कि मेरे इस आयरन फार्म में कोई भी खराबी आए। तो यहाँ से अब हम अंदर चलते हैं, और आपको आयरन गोलम के मरने की तो आवाज़ आ ही रही होगी, और यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा एरिया जो है अंदर भी स्पॉन प्रूफ कर रखा है, ताकि बिल्कुल भी खराबी ना आए आयरन फार्म में। और यहाँ पे हमारा फार्म पूरे का पूरा बन के रेडी है यहाँ पे, और सारे के सारे आयरन गोलम जो है वो स्पॉन होए जा रहे हैं, और इसका जो एफिशिएंसी है ना वो बहुत ज़्यादा सही लग रही है मेरे को, उस वाले आयरन फार्म से बहुत अच्छा वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को लगा नहीं था कि मैं इतना अच्छा वर्क करा पाऊंगा इसे, लेकिन ये हो चुका है पूरा का पूरा रेडी हमारा, और यहाँ पे हर जगह मैंने इसे स्पॉन प्रूफ कर रखा है। तो अभी फिलहाल इस फार्म की जो चेस्ट है वो चेकआउट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे को अभी इस फार्म को बनाए हुए ना 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, और यहाँ पे इतना आयरन जो है वो कलेक्ट हो चुका है, और जो आयरन गोलम है वो स्पॉन हो जा रहे हैं, जैसे कि आपको भी आवाज़ आ रही होगी मरने की उसकी। तो बहुत बढ़िया ये फार्म है। अब मैं यहाँ से बाहर चलता हूँ, और अगर आप भी इस वर्ल्ड को अपने वर्ल्ड के अंदर इसको बनाते हो ना, तो मेरे को उस वीडियो के अंदर टैग जरूर कर देना। तो अगर आप बनाना चाहते हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है, मेरी गारंटी है कि अच्छा वर्क करेगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका आपको जो जहाँ से मैंने ये जो स्टैचू है वो बनाया है देखकर वो मैं आपको दूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। तो आज की इस वीडियो के लिए मेरे हिसाब से इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।